नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। दिन के उजाले में हो रही रंग मिल से लोहे की चोरी। प्रतिदिन 1 से 2 लाख रुपए तक लोहा मिल से किया जा रहा है पार। शहर के एक जागरूक नागरिक ने कई बार की प्रशासन से शिकायत। घटना ग्वालियर के बीमा हॉस्पिटल के पास रंग मिल तानसेन नगर रोड की। जी हां, ग्वालियर के तानसेन नगर रोड स्थित रंग मिल उद्योग से पिछले कुछ दिनों से लोहे की चोरी की जा रही है। वहां के लोगों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार शिकायत प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से करने के बावजूद भी साठगांठ के चलते लोहे की तस्करी निरंतर जारी है। शायद इसी वजह से पुलिस इस मामले में अपनी रुचि नहीं दिखा रही है। वहीं दूसरी ओर उद्योग से चुराया हुआ लोहा बाजार में बेचा जा रहा है। रंगमिल उद्योग से अभी तक करीबन 2 लाख रुपए का लोहा चुराया जा चुका है। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। देखो पूरी फौज आ रही है। रुक जा, तेरी वीडियो बना के डाल लेती। रुक जा, सकल तो दिखा दे अपन। जा कहाँ?